नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक वारदात पेश आई है। तो इस वारदात में पति ने हथौड़े से वार कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। तो कहां पर यह दर्दनाक वारदात पेश आई है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कहां पर यह दर्दनाक वारदात पेश आई है। तो हथौड़े से वार कर पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकास खंड लंबा गांव की ग्राम पंचायत बरडा में किराए के कमरे में रह रहे दार्जिलिंग निवासी ने बुधवार रात अपनी पत्नी की सिर पर हथौड़े से वार करके हत्या कर दी। आरोपी की पहचान विजय लामा 35 वर्षीय निवासी दार्जिलिंग के रूप में हुई है। आरोपी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, कई वर्षों से बरडाम गांव में किराए के कमरे में रहता था। 2-3 महीने पहले ही आरोपी उक्त कमरे को छोड़कर करण सिंह के घर में किराए के कमरे में रह रहा था। वहीं बुधवार रात को आरोपी ने शराब पी रखी थी, किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। विजय ने तैश में आकर पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद रिश्तेदारों को बताया कि उसने हत्या कर दी है। रिश्तेदार जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि इंदिरा 28 वर्षीय का खून से लथपथ शव पड़ा था। मकान मालिक करण सिंह ने पंचायत उप प्रधान सुनील राणा को सूचना दी। इसके अलावा सुनील राणा मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने हथौड़े को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SHO केसर सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मामले की पुष्टि DSP BD भाटिया ने की है। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पति ने अपने हथौड़े से ही वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आरोपी दार्जिलिंग से बताया जा रहा है। तो यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।